एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यूरोप का जो आपका फिजिकल मैप है वो कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपका जो यूरोप का पॉलिटिकल मैप था वो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, तभी तो आपको ये सारा का सारा मैप समझ में आएगा। अगर आपको ये मैप इन्हीं कंट्रीज़ की लोकेशन कौन कौन से सीन के आसपास हैं, ठीक है, वो सारा अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से इनके माउंटेन्स हैं, ठीक है, रिवर्स हैं यहाँ की, किस तरह की यहाँ पे लो लैंड एंड हाई लैंड जो भूमि है उसके बारे में कंप्लीट हम इसके बारे में आज फिजिकल मैप के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। बट इससे पहले पॉलिटिकल मैप्स अब ज़रूर देखेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ के अंदर मैंने आपको एशिया का मैप कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एशिया के मैप में मैं आपको फिजिकल पॉलिटिकल दोनों साथ ही साथ जो कंट्री के जितने भी कैपिटल्स हैं सारी मैंने ट्रिक्स से आपको लर्न करवाई हैं। तो इससे पहले मैं यूरोप का पॉलिटिकल करवा चुकी हूँ, अब मैं फिजिकल करवा रही हूँ। ये करवाने के बाद जितने भी कंट्रीज हैं सबके कैपिटल ट्रिक्स से मैं आपके सामने लेके आऊँगी। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो ये आपका यूरोप का मैप है, आपके सामने है, देख लीजिएगा। पॉलिटिकल अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि इनको हम क्या कहते हैं, इन कंट्रीज़ को, ये कंट्रीज़, यानी कि आपको फ़र्क पता चलेगा ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, और इन सब में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, इन सब में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब इससे आगे ये सारा मैंने आपको करवा दिया किस तरीके से अफ्रीका से कौन सा कनेक्ट है, एशिया से कैसे कनेक्ट है, सारा आप पॉलिटिकल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको फिजिकल करवाऊंगी। तो फटाफट से हम लोकेशन देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपका यूरोप है उसकी लोकेशन क्या है। तो ये आपके सामने पूरा वर्ल्ड है, ये आपका फटाफट से कॉन्टिनेंट देख लेते हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे? 7 कॉन्टिनेंट हैं। और ओशन कितने हैं हमारे? 5 ओशन, यानी महासागर, महाद्वीप, महाद्वीप हमारे 7 है और महासागर कितने हैं? 5 है, ठीक है। फटाफट देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया और नीचे क्या है आपका? एंटार्क्टिका, ठीक है। और अब हम ओशन देखते हैं, इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, यहाँ भी प्रशांत महासागर है। यह आपका एस शेप की जो आकृति है आपका अटलांटिक ओशन है, इसके ऊपर आपका आर्कटिक ओशन है, नीचे आपका सदर्न ओशन है, यहाँ पर आपका इंडियन ओशन, यानी 5 आपके ओशन है, 7 आपके कॉन्टिनेंट है। तो आज हम यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरोप की लोकेशन ये है, यानी कि मैं साउथ वेस्ट आपको इसकी डायरेक्शन में समझा देती हूँ। ये आप इसका नॉर्थ साइड है, साउथ है, वेस्ट है एंड ईस्ट है। आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है ना, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट है। तो ईस्टर्न साइड से इसे एशिया के जो रशिया वाले पार्ट है वहाँ से बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट साइड से ये अटलांटिक जो ओशन है वहाँ से ही घिरा हुआ है, नॉर्थ साइड से ये आर्कटिक ओशन है, और सदर्न जो साइड है, साउथ साइड है, वहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। और अगर कॉन्टिनेंट देखिए तो आपका कौन सा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये सारा मैंने बता दिया है, फटाफट से हम आगे चलते हैं। इससे आगे देखिएगा, ये जो मैंने आपको ये बताया ना किस तरीके से जो यूरोप है आपका एशिया से कनेक्ट, जो ये वाली लाइन है इसी को मैंने थोड़ा जूम करके आपके सामने दिखा रखा है कि ये सारा का सारा आपका यूरोप है, ये एशिया है, इन दोनों को मिलाकर हम यूरेशिया कह देते हैं। एक बार आप देखिएगा जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं, जल के मदद से क्या है, अलग हैं। जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ दोनों के दोनों यहाँ पर पानी है, उससे ये अलग है। यूरोप और अफ्रीका यहाँ बीच में पानी है, इससे अलग है। जो एशिया और अफ्रीका बीच में यहाँ स्वेज नहर है यानी कि आपका रेड सी है, यहाँ से अलग है। लेकिन जो यूरोप और एशिया है ये भूमि साझा करते हैं, यानी कि कोई भी जल की सीमा दोनों आपस में साझा नहीं करते। तो यूरोप और एशिया को बहुत बार यूरेशिया भी कहते थे। पूछ लेगा यूरेशिया से आप क्या समझते हो, समझिएगा आप यूरोप और एशिया दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट क्या है आपकी? यूरेशिया, ठीक है। तो अब देखिएगा इनके बीच में अगर जल नहीं है तो क्या है? इनके बीच में आपकी कोकेशस पर्वत श्रेणी है, जिसकी आपकी जो चोटी है वो कौन सी? एल्ब्रुज जो है आपकी चोटी यूरोप के अंदर वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब इससे आगे यहाँ पर क्या आपकी यूराल माउंटेन्स है, कौन से आपके यूराल माउंटेन्स है, आपकी कैस्पियन सी है, इन सबसे क्या होता है आपका यूरोप और एशिया दोनों क्या होते हैं आपस में? अलग होते हैं, ठीक है। ये सारा बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं फटाफट से। अब इससे आगे देखेगा ये पूरा मैप आपके सामने फटाफट से, मैं कुछ जो मेन मेन कंट्रीज है जिनको आपको पता ही होना चाहिए, सबसे मेन तो आपको दिख रहा होगा यूक्रेन, ये तो मतलब बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यूरोप में अभी सबसे चर्चित है आपका यूक्रेन। तो यहाँ से रशिया, रशिया एशिया के अंदर रशिया है और यूरोप के अंदर यूक्रेन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर जरूर पूछेगा, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, ठीक है। चलो देखो, ये मैंने आपको सारा पॉलिटिकल मैप में करवा दिया था, फिर भी मैं अगेन सिर्फ आपको कंट्री बताऊंगी, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ताकि आपको उनकी लोकेशन थोड़ी सी रिवाइज हो जाए, फिर भी आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आपका रशिया वाला पार्ट है। मेन मेन कंट्रीज देखिएगा, यहाँ क्या है आपका? ये है आपका आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड है आपका, यहाँ पर आपका स्पेन, और स्पेन के उस तरफ क्या आपका? पोर्टुगल। देखो ये रहा, ये आपका पोर्टुगल जिसे हम पुर्तगाल कहते हैं, ठीक है, ये आपका स्पेन है, ये सारा अफ्रीका वाला पार्ट है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पता चला आपको कि स्पेन, ये पुर्तगाल है, पोर्चुगल, स्पेन है आपका, फ्रांस है, यहाँ पर आपका क्या है? बेल्जियम है,
नीदरलैंड है, यहीं छोटा सा क्या है, लग्जमबर्ग है, या आपका जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है छोटू सा, या आपका इटली है बिल्कुल इस तरीके से मेडिटेरेनियन सी के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। फटाफट से देखो आपका ये पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है आपका, बेलारूस है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है आपका, ग्रीस है आपका, ठीक है, मैकडोना है आपका, अल्बेनिया है एंड बेलग्रेड है आपका, बोत्साना है, ठीक है, ये सारे, हंगरी है आपका, स्लोवाकिया है आपका, चेक रिपब्लिक, और इससे ऊपर क्या है, बेलारूस से पहले ये जो आपके बाल्टिक सी आता है यहाँ पर, इसमें आपका एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। और ये सारे के सारे आपको इन कंट्रीज के नेम पता होने चाहिए, यूरोप के अंदर कौन कौन सी जो है आपकी वो कंट्रीज हैं, ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अब इससे आगे चलते हैं हम, इससे आगे देखिएगा कि मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से वो दो यूरोप और एशिया अलग हैं, तो मैं बता देती हूँ। देखो जो ये वाला पार्ट है ना आपका, यहाँ पे आता है आपका नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये तीन पार्ट हैं आपके। इन सबको हम स्कैंडिनेवियाई प्रदेश कहा जाता है, पेनिनसुला स्कैंडिनेवियाई इनका नाम रख दिया गया। इसमें अब हम आइसलैंड को भी, और साथ साथ देखो जो तीन साथ में वो तो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, लेकिन डेनमार्क को भी इंक्लूड कर लिया जाता है स्कैंडिनेवियाई में, क्योंकि जो इनका सांस्कृतिक रूप है, जो भाषा, सांस्कृतिक रूप, पहनावा है, वो सब कुछ मतलब सांस्कृतिक रूप से जो है डेनमार्क इनसे मिलता जुलता है, ठीक है। है तो वो नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन का हिस्सा, बट उसको स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि क्या सांस्कृतिक रूप से वो उनके जैसा है। तो कौन कौन हो जाएगा, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, और साथ साथ आपका डेनमार्क, और ऑप्शन मिल जाए तो आइसलैंड, ये सारे का स्कैंडिनेवियाई आपके पेनिनसुला है। अब इससे आगे जितने भी इनको चार कैटेगरी में, यूरोप को चार कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे कि हमारे एशिया को छह कैटेगरी में डिवाइड किया था ना आपका, ऐसे यूरोप को फोर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। नॉर्दर्न यूरोपियन, जिसके अंदर आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जितने भी आपके पोलैंड है आपका, ठीक है, लग्जमबर्ग है आपका, ये सारे आ जाएंगे, ये मिडल हो जाएगा, ठीक है। और इससे नीचे आपका पेनिनसुला में लास्ट में कौन आपका इटली है, ठीक है, ये आ जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके कौन आ जाएंगे, आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर आपके दो आएंगे, कौन कौन, पोर्टुगल एंड स्पेन, पीएस, ठीक है, कौन, पोर्टुगल एंड स्पेन, दोनों आपके आइबेरियन पेनिनसुला। तो फटाफट से ध्यान रखना आपको कौन कौन से, सबसे पहले स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेविया में हमारा कौन कौन सा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइबेरियन में आपका हो जाएगा कौन कौन सा, पोर्टुगल और स्पेन, और इससे आगे नॉर्थ में कौन कौन से हो जाएंगे आपके, पोलैंड है आपका, ठीक है, पोलैंड है, उसके साथ ही साथ हैं आपके लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे आपको याद रखना। यहाँ पर जितने भी, यहाँ पर बाल्कन सी पड़ता है, वहाँ पर जितनी भी कंट्रीज इनके आसपास, उसको बाल्कन पेनिनसुला कह देते हैं, इटली वाले को इटालियन पेनिनसुला कहते हैं। तो ये बीच में जो आपको सागर दिख रहा है, ये आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है, जो बिल्कुल इनके यूरोप के साउथ में है उसे मेडिटेरियन सी कहते हैं। यहाँ पर क्या आपका ब्लैक सी, जिसे काला सागर कहते हैं, कैस्पियन सी आपके एशिया के अंदर है, ठीक है, ये आपने देख लिया। और यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको जो आपका नॉर्वे के बिल्कुल साइड में वेस्ट की तरफ, उसे नॉर्वेरियन सी कहते हैं, ठीक है, नॉर्वेरियन सी भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्वेरियन सी कहते हैं जो नॉर्वे के साइड में, नॉर्वेरियन सी, जो नॉर्वे के नीचे साउथ में है उसे नॉर्थ सी कहते हैं। यहाँ पर आपको याद करना है गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ है आपकी, ये आपकी नॉर्वन, जो आपके नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, यानी कि स्वीडन और फिनलैंड के दोनों के बीच में क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया है। और यहाँ पर आपका बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में तीन ही कंट्री हैं, कौन कौन सी, लातविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। तो ये अभी मैंने मोटा मोटा बताया, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि पता है रिपीटेशन से चीज़ें आती हैं आपको, ऐसे नहीं जैसे मैंने बोल दिया एक ही सेकंड में आपके दिमाग में बिल्कुल सारी चीज़ें छप गई, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, बहुत बार रिपीट करनी पड़ती, चीज़ें समझनी पड़ती हैं तब जाकर जुबान पर चढ़ती हैं। तो अभी मैंने आपको समझा है, ज़्यादा नहीं 20% तो समझ में आया होगा, ये तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रही मैप की हेल्प से, ताकि आपको उनकी लोकेशन पता चले, क्योंकि अगर मैं आपको छोरी वाला पार्ट करवाने वाली हूँ तो उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि स्कैंडिनेवियाई क्या है, आइबेरियन क्या है, ठीक है, नॉर्दर्न यूरोपीय आपका नॉर्दर्न यूरोपियन, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लोकेशन समझा दी, ब्लैक सी की लोकेशन क्या है, मेडिटेरेनियन की लोकेशन क्या है, अभी सिर्फ लोकेशन समझ, ज़्यादा हेडेक नहीं लेने आपको, बहुत ईजी वे में हम समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी आपकी लॉन्ग रहेगी क्योंकि मेरे को इतना विश्वास है कि अभी यूरोप और एशिया का विवाद चल रहा था, आपको पता है ना, तो आप ये यकीन मानेगा जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जो करंट के इशू है ना उनको उठा के उसके हिस्ट्री क्वेश्चन बना देगा, ज्योग्राफी क्वेश्चन बना देंगे एग्जामिनर जो है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे थोड़ा ज़्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि यहीं पर आपका यूक्रेन है, यहीं पर आपका रशिया वाला पार्ट है, क्योंकि रशिया कैपिटल जो मॉस्को है वो यूरोप वाले हिस्से में आते हैं, तो इसलिए मैं जोर दे रही हूँ कि इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब यूरोप के कुछ रिवर्स हैं उनके बारे में आपको, जो मेन आपको, सबसे पहले आपको याद वोल्गा रिवर, कौन सी वोल्गा रिवर है आपकी, डेन्यूब है आपकी, राइन है, इसको आप मैप आप खुद देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ, वोल्गा है, डेन्यूब है, राइन है, सीन है, ठीक है, और पो है आपकी, ये सारी की सारी नदी आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, यही है जो आपकी मेन रिवर है। अब इसे आगे देखिएगा, कुछ मैंने रिवर्स मैंने आपके सामने लगा रखी है, ये आपको बता दिया था कि यहाँ पे आपका बाल्टिक सी है, नॉर्थ
नॉर्थ सी है या अटलांटिक सी है आपका, ठीक है। ये सारी रिवर्स है, कुछ रिवर्स आपके ब्लैक सी में जाकर गिरती हैं, और यहाँ पर आपका क्या है मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ये सारा का सारा आपको देख लेना है। अब इसे आगे देखिएगा, यूरोप के जो मैंने बताया यूरोप के अंदर से कौन सी ऐसी लाइन है जो गुजरते हैं, आपको पता है तीन लाइन है आपकी, कौन कौन सी मैं बताती हूँ आपको। कलर चेंज कर लूँ मैं आपके लिए, ग्रीन कर लेते हैं। देखो जो बिल्कुल आपकी जीरो डिग्री है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की साइड पे 23 डिग्री जो नॉर्थ है उसे हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जीरो डिग्री के साउथ में आपका 23 डिग्री जो साउथ में है उसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉन कहते हैं। और इससे ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ में कौन से आर्कटिक सर्कल है, और इसके नीचे आपका 66.5 डिग्री यहाँ साउथ में अंटार्कटिक है। तो जो आपका दिख रहा है आपको ये आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है वो आपकी यूरोप से गुजर, कहां कहां से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से, यहां से आप क्या है 66.5 डिग्री आपकी गुजरती है कौन सी नॉर्थ। जैसे हमारे इंडिया के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है ना 8 राज्यों से गुजरती है, ऐसे ही आपके आर्कटिक सर्कल जो है वो यूरोप से गुजरता है। यूरोप जो है आपका, अगर मैं आपके सामने ग्लोब बनाऊं, ये बीचों बीच से 0 डिग्री आपके सामने इक्वेटर में खींच दूं, तो अगर यहां हमारा इंडिया है तो यूरोप यहां पड़ता है ना, तो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास ही तो पड़ रहा है, तो यहीं से आपकी 66.5 डिग्री जो है आपकी नॉर्थ जो है वो यहां से गुजर, जैसे हम आर्कटिक सर्कल का नाम दिया, ठीक है। सारी सारी कंट्रीज आपके सामने देखो किस तरीके से यहां से आप यूराल माउंटेन्स जो है एशिया को इसको अलग करते हैं। यहां पे आपका टर्की है, ठीक है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है ना, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री यानी स्थल अवरुद्ध जो देश है वो आपका कजाकिस्तान है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब इससे आगे देखिएगा, यूरोप में कुछ आपके स्ट्रेट हैं, ये सिर्फ मैप से समझा रहा हूं, आगे थ्योरी का पार्ट बहुत अच्छे से ट्रिक से भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। ये आपको देखना है कि यूरोप जो है कुछ एक स्ट्रेट हैं, जैसे कि हमारे एग्जांपल दूँ, हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जिसे हम कहते हैं, कि यानी कि इंडिया और श्रीलंका किससे जुड़े हैं, पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो देखिएगा जैसे यूरोप है ये वाला, और नीचे कौन सा है आपका अफ्रीका है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पानी गुजरता है, तो पानी से जो दो देश जो आपस में जुड़े हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि, यानी दो देशों के बीच में जल के ऊपर संधि हो रखे, संधि होता है दोनों के बीच में समझौता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पूछेगा यूरोप प्लस अफ्रीका दोनों के बीच में कौन सा बॉर्डर स्ट्रेट है, वो है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पर आपके कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, यहाँ आपका पोर्टुगल एंड स्पेन आता है, तो मोस्ट ऑफ स्पेन, और यहाँ पर आपका मोरक्को, अफ्रीका का मोरक्को और आपका यूरोप का स्पेन, इन दोनों के बीच में कौन सी स्ट्रेट है आपकी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, आपको याद रखना कौन सी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, ये आप याद रखना है कौन से हैं। यहाँ इस तरफ आपका मेडिटेरियन सी है आपका, यहाँ आपका मेडिटेरियन सी है, और यहाँ आपका अटलांटिक ओशन है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो आपके यूरोप के स्पेन और आपके अफ्रीका के मोरक्को से क्या करते हैं उसको बीच में अलग करते हैं। ये आपको दो ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसे आगे स्ट्रेट ऑफ डोवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर, देखिएगा आप यहाँ आपका यूरोप, यूरोप का आपका जो इंग्लैंड वाला पार्ट है वो, साथ ही साथ यहाँ आपका इन दोनों के बीच में फ्रांस, यानी कि आपका इंग्लैंड प्लस फ्रांस के बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ डोवर है, आपको याद रखना। और इसी तरफ क्या आपका इंग्लिश चैनल है, क्या आपका इंग्लिश चैनल के अंदर आपका दो जो कंट्रीज़ हैं उनको आपस में क्या करता है ये, मतलब अलग करने का काम करता है ये पानी जो है, जल है, इसलिए इसको जल संधि स्ट्रेट कहा जाता है। तो कौन कौन सा आपका इंग्लैंड प्लस फ्रांस के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर है इंग्लिश चैनल के अंदर, ठीक है, ये सारा आपको याद रखना। फटाफट से हमारी थ्योरी वाला पार्ट आपके सामने आएगा, मैंने कहा था आपको थ्योरी करवाऊंगी। मैंने आपको अब तक क्या समझाया है, मैप की हेल्प से मैंने आपको रिवर्स है, माउंटेन्स तो मैंने नहीं समझाए हैं, रिवर्स समझाए हैं, आपको लोकेशन बताए हैं, कंट्रीज़ बताई हैं मैंने आपको, ठीक है, ये सारा का सारा मैंने आपको समझाया है। अब फटाफट से हम थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ते हैं, बहुत ट्रैक से मैं आपको लर्न करवाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, मतलब अगर डेंस पॉपुलेशन, जनसंख्या तो आपको पता है एशिया की है, पर डेंस पॉपुलेशन घनत्व ज़्यादा पूछा जाए वो भी जनसंख्या का, तो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट आएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। आपको पता होगा सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है आपकी, ठीक है, जो आपका रिवोल्यूशन है आपका इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है वो आपका यूरोप के अंदर आया था, सबसे पहले जो आधुनिक जो आपके ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी आपकी यूनान यानी अभी ग्रीस का नाम पहले यूनान था वहाँ से शुरुआत हुई थी, औद्योगिक क्रांति यहाँ आई है, ठीक है, और बहुत सबसे पहले रेल जो पूरे विश्व में सबसे पहले रेल चली थी वो भी यहाँ यूरोप महाद्वीप से चली थी, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो यूरोप के बारे में हम जानेंगे। आपको पता है अंगूर की सबसे ज़्यादा खेती यहाँ से की जाती है, और बहुत सी चीज़ों में सबसे नंबर वन पर है, वो सारा का सारा हम इसमें जानेंगे। जहाँ डेटा बहुत ज़्यादा है मैं आपको इंपॉर्टेंट करवाऊंगी, जहां मैं मार्क कर दूं ना ये याद करना है, तो ये याद करना ही है क्योंकि वो एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, अभी तक उन्हें वो मैप से पढ़ा था, अब हम थ्योरी से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने कि ये जो महाद्वीप है यूरोप, मैंने आपको लोकेशन बता दिया, यूरोप जो महाद्वीप 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री उत्तरी अक्षांश और पश्चिम दिशांत हो जाता है 10 से लेकर 65 डिग्री, इसको आपको याद नहीं करना है सिर्फ पढ़ना है, लेकिन मैंने मैंशन कर दिया, हाँ कुछ बच्चों को जो लिखना पड़ता है, बच्चों को क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन आपके लिए नहीं, आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, तो मैं जो बताऊँ सिर्फ आपको वो याद
करना है, ठीक है। तो आपने देख लिए इसके कौन कौन से आपके उत्तरेक्षांश और पश्चिम देशांतर। अब इससे आगे सबसे मेन है आपका कि अगर मैं ये यूरोप बना दूं तो इसके उत्तर में क्या आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में क्या अटलांटिक है, दक्षिण में क्या है भूमध्य सागर है, और यहाँ पर क्या है आपका एशिया है। ये चारों तरफ से, तीनों तरफ से तो पानी से घिरा हुआ, और यहाँ आपके जमीन यानी भूमि से घिरा हुआ है एशिया के साथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इससे आगे पूर्व में क्या है, अगर ये यूरोप आपका पूर्व में क्या है, यहाँ पर यूराल है, यूराल माउंटेन्स है, यूराल रिवर्स है, फिर कैस्पियन सी है, जो एशिया यूरोप के जो प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, यानी कि हमने उसे नहीं बनाया है आर्टिफिशियल रूप से, हमें उसे नहीं बनाया, लेकिन वो नेचुरल रूप से बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आर्टिफिशियल रूप से हमने लाइन बनाई है, रेडक्लिफ लाइन, ऐसे यूरोप और एशिया के बीच में नहीं बने, वो नेचुरली बनी है, ठीक है। यूरोप के उत्तर पश्चिम में अगर मैं यहाँ यूरोप बना दूँ तो यूरोप के जो उत्तर ये है और पश्चिम ये, इसे मैंने दिखाया ना, स्कैंडिनेवियाई प्रदेश है, ठीक है, आपके पिरेनीज माउंटेन्स है, यूराल माउंटेन्स है, इसी तरह आपका ग्रेट ब्रिटेन है, बताऊँगी ग्रेट ब्रिटेन की किससे मिलकर बना है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न में है, ठीक है। अब इससे आगे स्कैंडिनेवियाई के अंदर आपको ये टिप्स पे याद करनी है, ये सारी की सारी कंट्रीज, ये कौन कौन से स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में आते हैं, वो आपका आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड पे आएगा आपका, इस पे ऐसे आएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और नीचे से आपका डेनमार्क, और यहाँ से आपका आइसलैंड, ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं आपके स्कैंडिनेवियाई प्रदेश कहलाते हैं, क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ग्लिटर टिंट, कौन सा है आपका ग्लिटर टिंट। अब कैसे याद करोगे इसको, ये तो आप याद कर लेना, अगर आप पॉलिटिकल मैप देखोगे ना उसमें मैंने आपको अच्छे से याद करवाया, ठीक है, अभी याद नहीं करवाऊंगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, अभी हमें सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी। तो स्कैंडिनेवियाई कैंडे, कैंडे, तो कैंडे से हमें क्या नजर आया, कैंडी है ना, दिख रहा है आपको कैंडे, कैंडी यानी नजर आया हमें कैंडी, कैंडी कैसे चाहिए आजकल तो बच्चों को ना, नॉर्मल चीज़ें नहीं चाहिए उनको ना, मतलब कि तड़क भड़क यानी कि ऐसे दूर से ऐसे दिख जानी चाहिए कि हाँ अरे इतनी प्यारी है, यानी कैंडी चाहिए ग्लिटर लगी, ग्लिटर आपने देखा होगा स्पार्कल आता है, ग्लिटर लगी हुई बहुत सुंदर सी कैंडी चाहिए बच्चों को, ऐसे नॉर्मल कैंडी नहीं चाहिए, तो यानी कैंडी चाहिए ग्लिटर जैसे, तो क्या हो जाएगा स्कैंडिनेवियाई में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, ग्लिटर टिंट, बस इतना हिंट काफी है, ठीक है, लेंथ इसका आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब इससे आगे यूरोप में क्या है आपका, बाल्टिक सी, आपको बताया था मैंने यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यहाँ आपका बाल्टिक सी है, और यहाँ पे आपकी तीन कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सी से सीमा बनाती हैं, तीन कौन सी आपकी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कौन सा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों कंट्रीज के आपको नेम याद करने हैं, ट्रिक से मैंने आपको पॉलिटिकल में करवा दिया, ठीक है। इससे आगे है कि कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ये लगा लो यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, यहाँ आपका डेनमार्क है, यहाँ पर आपको उसको निम्न भूमि वाले राज्य कंट्रीज कहा जाता है, उनको तो कौन कौन से आपके तीन हैं आपके, उनको बेनेक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो इसी से याद करवाऊंगी मैं आपको, बेनेक्स, तो बेनेक्स से क्या हो जाएगा, बे से बेल्जियम, ने से नीदरलैंड, और क्या इससे हो जाएगा आपका लग्जमबर्ग, क्या हो जाएगा लग्जम, मैं लय लिखना भूल गई है ना, लैक कैसे हो जाएगा लग्जमबर्ग, तो बेने लक्स को निम्न भूमि का देश कहा जाता है, उसे हम कहते हैं बैसे बेल्जियम, एन से नीदरलैंड, और लैसे लग्जमबर्ग, हो गया आपको याद, बस आपको देगा ऑप्शन में कौन सी ऐसी कंट्री है जो बेनेक्स निम्न भूमि देश में शामिल नहीं है, चार ऑप्शन आपको देगा, तीन ये देगा, एक एक्स्ट्रा दे देगा ताकि आप उसको बता सको, तो इसी में मैंने अवार्ड में आपको बता दी है। अब इसे अगर इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप पढ़ लीजिएगा कि बाल्कन कंट्रीज किसे कहा जाता है, कि जो बाल्टिक सी है उसके आसपास सीमा साझा करते हैं उनको बाल्कन राज्य कहा जाता है, जैसे आपका सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्ट्रिया, हर्जेगोवेना, मैसेडोनिया, आपका बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया, ये सारे के सारे हैं, ठीक है, इनको आपको याद करने जरूरत है। याद किया करना है आपको स्कैंडिनेवियाई प्रदेश याद करने, निम्न भूमि के देश आपको याद करने, और साथ ही साथ एक और था आपका बाल्टिक जो देश है वो आपको याद करने। अब इससे आगे यूरोप के मध्यवर्ती मैदान, ठीक है, जैसे आपका कंप्लीट यूरोप है, यहाँ क्या है आपके स्कैंडिनेवियाई हैं, ठीक है, और इससे आगे यहाँ है आपके निम्न भूमि के, तो मध्यवर्ती जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ तो इटली वगैरह आ गया, तो दक्षिण हो गए, मध्यवर्ती जो पार्ट है उनमें कौन कौन से आपकी कंट्रीज आते हैं, वो आती है आपकी फ्रांस, होलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, उत्तरी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, पश्चिमी रूस एंड यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन। अब है यूरोप के मध्यवर्ती जो भाग में कुछ एक नदियां बहती हैं, वो कौन से सबसे मेन है आपकी, राइन, डेन्यूब, नीपर, बोल गए, चारों ही मेन है, ठीक है, इसके अलावा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, वैसे चार तो रिवर आप याद आ रहे, पूछ लेगा डायरेक्ट कि ये रिवर कहां, कौन से महाद्वीप में बहते हैं, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी है, राइन है, डेन्यूब है, नीपर है, बोल गए, सारे यूरोप के अंदर प्रवाहित होते हैं, आगे बताऊंगी मैं कहां कहां कैसे कैसे जाती है, ठीक है। यूरोप के अंदर पठार कौन कौन से, मेसिता का पठार है, स्पेन के अंदर मेसिता का पठार है, फ्रांस के अंदर वाजेज का पठार, जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट है, बोहेमिया एंड बवेरिया, तो याद करना आपको स्पेन के अंदर मेसिता, फ्रांस के अंदर वाजेज एंड जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट। अब इसे आगे मध्यवर्ती मैदान में जो दक्षिण में कौन बच गया आपका, इटली है, ग्रीस है, दक्षिण में आगे वहां पर आपका अल्पाइन पर्वतों में पिरेनीज है, आल्प्स है, कार्पेथियन है, काकेशस पर्वत श्रेणी है, ये सारी की सारी आपकी जो मध्यवर्ती के दक्षिण वाले पार्ट है उनमें पड़ते हैं, ठीक है।
इटली के दक्षिण में क्या है? इटली में आपको बताऊंगा सिसली पर विसुवियस ज्वालामुखी वोल्केनो है, स्ट्रांबोले भूमध्य सागर का स्तंभ जिसे कहता है स्ट्रांबोले ज्वालामुखी कहा जाता है, एटना ज्वालामुखी आपका, ये सारे के सारे आपके कहाँ पर है? इटली के दक्षिणी द्वीप पर, ठीक है। आपको पता ना इटली इस तरीके से फैला हुआ है आपका, जैसे कि हमारे इंडिया का जो प्रायद्वीप भाग है ना, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऐसे ही इटली भी सेम तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो वहीं पर आपका सिसली पर विसुवियस स्ट्रांबोली और एटना, ये कैसे हैं आपके दो तरह के वोल्केनो होते हैं, एक तो होता है आपका एक्टिव और एक होता है आपका अनएक्टिव। तो एक्टिव हो जाएगा जो एक्टिव है यानी कभी भी उससे लावा बाहर निकल सकता है, और अनएक्टिव हो जाएगा सुषुप्त है, निष्क्रिय है, यानी कि अब उससे कोई लावा बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ये एक्टिव हैं। आपको पता नहीं इंडिया के अंदर एक ही आपका वोल्केनो है, वो भी कौन सा है आपका, बैरन ज्वालामुखी, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, ठीक है। अब इससे आगे इटली के उत्तरी भाग में कैसा है, उत्तरी भाग के अंदर समतल और उपजाऊ मैदान जिसे लंबार्डी के मैदान कहते हैं, यानी कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर मैदान है ना जहाँ से हम अपने फसल वगैरह उगाते हैं, तो वहां पर समतल और उपजाऊ मैदान से हम लंबार्डी कहते हैं, क्या कहते हैं, लंबार्डी के मैदान कहा जाता है। अब इसे अगर वेटिकन सिटी, आपको पता है कहां है आपका वेटिकन सिटी, सबसे छोटा जो देश के अंदर, देश यानी इटली के अंदर, ठीक है, इटली के अंदर यूरोप में रोम में सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य आपका वेटिकन सिटी, यहीं पर क्या था आपका जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना उनका मुख्यालय था और पोप का निवास स्थल था। यह आपको पता है रोमन कैथोलिक चर्च क्या होते हैं, ठीक है, और पोप का निवास स्थल था। अब इससे आगे आपको याद रखना है कि ब्रिटिश द्वीप कौन कौन से हैं आपके, आयरलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, और अन्य उत्तरी छोटे द्वीप हैं। अब आपको पता चाहिए कि आयरलैंड ये सब क्या है, ये इनमें आप मैं आपको समझाऊंगी। देखो आयरलैंड में उत्तरी और आयरिश गणराज्य दोनों के दोनों शामिल हैं, नॉर्थ वाला भी और आयरिश गणराज्य भी। अब इसे आगे याद रखना है, कंफ्यूज होना कि ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज, देखिए ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन इनमें, और यूनाइटेड किंगडम कौन कौन सा आपका, यूनाइटेड किंगडम है, ग्रेट ब्रिटेन है, और ब्रिटेन, इन सब में क्या डिफरेंस है वो सारा मैं अभी आपका क्लियर कर दूंगी। देखो ब्रिटिश द्वीप में आपका आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, अन्य छोटे उत्तरी द्वीप आते हैं, लेकिन आयरलैंड में उत्तरी और आयरिश गणराज्य शामिल होते हैं। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज, आपकी तीन कंट्रीज है, कौन कौन सी, इंग्लैंड है आपकी ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट यानी महान, तो इंग्लैंड होगा, स्कॉटलैंड होगा और वेल्स होगा, ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। कौन कौन, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है एंड वेल्स है, ठीक है। अब इससे आगे यूनाइटेड किंगडम कब बन जाएगा, जब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपका आयरलैंड शामिल हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम रहेंगे। देखो ब्रिटेन आपको पता है ये क्या है आपकी, एक अलग से ये ऑफिसर कलर का पेन, हाँ देखो जो आपका ब्रिटेन है वो क्या है आपके अलग से कंट्री है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर मुझे उसका ग्रेट ब्रिटेन बनाना है तो कौन कौन से तीन कंट्रीज़ में उसमें इंक्लूड करूँगी, एक तो करूँगी इंग्लैंड, एक करूँगी स्कॉटलैंड और एक करूँगी वेल्स, ये तो है ग्रेट ब्रिटेन। अगर मेरे को इसको यूनाइटेड किंगडम बनाना है तो मैं इसमें एक और शामिल कर दूँगी, कौन सा, आयरलैंड, ठीक है। ये सारे के सारे मिलकर क्या बन जाएंगे आपके, यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। अगर आयरलैंड को हटा दूँगी तो ये आपके ग्रेट ब्रिटेन बन जाएंगे, और इन सबको बेटा खाली ब्रिटेन तो पता ही आपको कंट्री है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। यूरोप में सुंदर जो उत्तर में उच्च भूमियों का एक प्रदेश है, यहाँ पर फिनलैंड से लेकर स्वीडन से और नॉर्वे से ब्रिटिश होते हैं, यानी कि आइसलैंड यहाँ पर फैला हुआ, जिसे हम फैनो स्कैंडिनेवियन शील्ड यानी स्कैंडिनेविया ही कहते हैं, फैनो स्कैंडिनेविया, एक ही बात है, ठीक है। इसे कि यूरोप में उत्तरी मैदान में राइन और सीन दो नदियाँ, आपको पता नहीं पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, ठीक है, या फिर जैसे हमारा लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, ऐसे ही वहाँ पर जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे, आपको याद रखना है। जो उत्तरी सागर है इंग्लिश चैनल में गिरते, कहाँ गिरती है आपकी, जो सीन नदी है वो आपकी, सॉरी जो राइन नदी है वो उत्तरी सागर में, और जो सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है, और राइन नदी पर ही दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है, कौन आपकी, राइन रिवर, ठीक है। अब इसे आगे राइन के नॉर्थ में और जो सीन के साउथ में क्या है, अब देखो जो राइन है ना वो तो उत्तर की तरफ बहती है और जो सीन है वो दक्षिण की तरफ, इन दोनों को मिलाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, दोनों का मिलाप करवाएंगे भाई, तो इन दोनों के लिए हमें क्या बना रखा है, वहाँ पे एक बैराज बना रखा, दिखाती हूँ मैं आपको, इन दोनों नदियों को एक नहर के द्वारा जोड़ा जा रहा है, ठीक है, और इन नदियों से होकर महाद्वीपों के आर पार के फिर हम यात्रा कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी राइन रिवर है उत्तर की तरफ बहती है नॉर्थ की तरफ, वो आपके उत्तरी सागर में जाकर गिरती है, नॉर्थ उत्तर की तरफ बहेगी तो उत्तरी सागर में गिरेगी, ठीक है, और सी नदी आपके दक्षिण में इंग्लिश चैनल के अंदर गिर जाती है। अब इससे आगे है अल्पाइन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे अल्पाइन और ऐसे आल्प्स, यानी कि अल्पाइन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला कौन सी, आल्प्स, और आल्प्स के अंदर क्या है, माउंट जो ब्लॉक है वो आल्प्स से सबसे छोटी, जैसे कि कोकेशस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, एल्ब्रुज है, कौन सी है आपकी, एल्ब्रुज है, ऐसे ही आपकी अल्पाइन में जो आपके आल्प्स पर्वत है ना उसमें आपकी माउंट जो ब्लॉक में आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक, जैसे कि हमारे हिमालयाज के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, माउंट एवरेस्ट है, ऐसे ही इसमें है, ठीक है, कंफ्यूज होना, कोकेशस की है, एल्ब्रुज है आपकी, और आल्प्स की कौन सी आपकी माउंट ब्लॉक है, ठीक है। अब इसे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, एल्ब्रुज है, कोकेशस पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। यूरोप में उत्तर अटलांटिक क्या है आपका, यूरोप के अंदर उत्तर अटलांटिक प्रवाह में क्या है, गर्म जल धारा बहती है, तभी तो क्या रहता है अगर इस तरीके से यूरोप है, यहाँ पर ऊपर भी क्या करता है, नहीं तो बिल्कुल यहाँ पे नॉर्थ पोल है आपका तो यहाँ पे बर्फ जम जानी चाहिए
थी, लेकिन यहाँ पर क्या है यूरोप में ऐसे आप ये कहते गर्म जलधारा बहती है जो यहाँ के पानी को भी गर्म कर देती है ताकि जो हवा जहाज़ों की जो आवाजाही है वो लगे रहे, काम प्रॉपर से चलता रहे, ठीक है, काम बंद ना करना पड़े उनको बर्फबारी की वजह से। इसलिए यहाँ पर एक गर्म जलधारा बहती है जो पश्चिमी यूरोप के जल को जमने नहीं देती, इसी वजह इसी धारा को हम यूरोप का कंबल कहते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। भूमध्य क्षेत्रों में क्या होता है, सर्दी के टाइम में वहाँ केवल वर्षा होती है, शीत ऋतु में ही वहाँ पर वर्षा होती है मेडिटेरियन सी के अंदर। इसे आगे यूरोप के उत्तर में जो आर्कटिक महासागर जल प्रवाह जो प्रणाली है, इस प्रणाली की जो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं जो वहाँ बहते हैं, पियोर और डबीना है, आपको याद रखना है, उत्तर की ओर आर्कटिक सागर में जाकर गिर जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल की तरफ है तो आर्कटिक में जाकर गिरेंगे, कन्फ्यूज होना याद रखना है। आपका जो राइन रिवर है आपकी वो कहाँ जाएगी, आपकी नॉर्थ सी के अंदर जाकर गिरेगी। सीन रिवर जो है आपकी वो आपके इंग्लिश चैनल के अंदर जाकर गिरेगी। ऐसे ही आपकी पियोर और डबीना जो रिवर है वो आर्कटिक सागर के अंदर जाकर गिरेंगे, ठीक है। अब इससे आगे दो नदियां हैं जो आपके विस्टुला एंड ओडर, ये दोनों बाल्टिक सी के अंदर जाया करेंगे। कौन, विस्टुला एंड ओडर बाल्टिक सी के अंदर जाया करेंगे। भूमध्य सागर प्रवाह प्रणाली की प्रमुख नदियां, कुछ नदियां ऐसी हैं जो भूमध्य सागर में जाया करेंगी, कौन है, अरोन है, सीन मतलब इंग्लिश चैनल में भी भूमध्य सागर आ जाता है, सीन, एब्रोपोर्ट, टाइबर, टाइबर आपको पता है इटली जो है, इटली का जो रोम शहर है ना, रोम जो है वहाँ कैपिटल, वो टाइबर नदी किनारे, जैसे पेरिस सीन नदी किनारे तो रोम आपका टाइबर नदी किनारे, ठीक है। डेन्यूब है आपका, निस्टर है आपका, नीपर है, डोन है, और इसमें डेन्यूब और डोन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके भूमध्य सागर के अंदर जाकर अपना जल गिराती हैं। अब इस आगे वनस्पति के बारे में जानते हैं कि आर्कटिक जो व्रतों में क्या है, सबसे उत्तरी भागों में क्या है, टुंड्रा जो वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो खुद बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास में तो बर्फबारी यहाँ ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर इससे किसी खेती नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपको टुंड्रा वनस्पति ही मिलेगी, जैसे लाइकेन है आपका, काई है आपका, बोने पेड़ यहाँ उगते हैं, और टुंड्रा के दक्षिण में, ये टुंड्रा है तो यहाँ इसके दक्षिण में क्या हो जाएगा, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ पर उत्तरी रूस की पट्टी में कोनधारी से कॉनिकल ट्रीज का जाता है, कॉनिकल ट्रीज होते हैं जो इस टाइप के अपनी शेप बना लेते हैं, कोन टाइप की, फर टाइप की, ठीक है, कॉनिकल जो कोनधारी जो वन है वो यहाँ पाए जाते हैं। अब इससे आगे आपको याद रखना है कुछ आपके घास स्थल के जो मैदान है, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके डाउन्स घास के मैदान है, ठीक है, ऐसे ही आपके यूरोप के अंदर स्टेपीज हैं, कौन से घास के मैदान हैं, यूरोप के अंदर स्टेपीज हैं, तो कैसे याद करोगे, यूरोप, यूरोप में मैं सिर्फ ले लूँ रोप, रोप मतलब क्या होता है, रस्सी, रस्सी पर आप जैसे चढ़ोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, थोड़े सीधा नीचे से लेकर ऊपर तक छलांग लगा देने, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो हो जाएगा यूरोप स्टेपीज, यूरोप स्टेप, जैसे कि आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर कुछ एक है, मैं बोल रही हूँ फटाफट से लिख लीजिएगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स घास के मैदान है, यूरोप के अंदर आपके स्टेपीज हैं, आपके अफ्रीका के अंदर आपके सवाना हैं, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका के अंदर आपके प्रेरीज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, घास के मैदान हैं, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अर्जेंटीना के अंदर आपके पंपास घास मैदान हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इससे आगे जो घास भूमि है ना, रोमानिया में डेन्यूब नदी घाटी से लेकर यूक्रेन तक फैले हैं, आपको याद रखना है कि रोमानिया से लेकर यूक्रेन तक यहाँ पे घास मैदान फैले हुए हैं। अब इससे आगे यूरोप के पश्चिम में और मध्यवर्ती भाग में क्या है, उत्तर, जो यूरोप के उत्तर में तो कौन से जाएंगी, टुंड्रा वनस्पति हो जाएगी, कौन सी टुंड्रा वनस्पति हो जाएगी, लेकिन उसके पश्चिम और मध्यवर्ती भाग में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन उगते हैं, जैसे कि आपका ओक है, बीच है, पॉपुलर है, ऐश है, बर्च है, हेमलॉक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, होलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, इन सब के अंदर फैले हुए हैं। अब देखो यूरोप के अंदर याद रखना है सिर्फ 30% ही भूमि है जिस पर वो एग्रीकल्चर खेती कर सकते हैं, अब वो कितनी गजब की बात है, 30% बेचारे के पास भूमि है और उस 30% पे ये लोग गेहूं उगा देते हैं ना, गेहूं कहाँ कहाँ उगाते हैं, ठीक है, जर्मन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, हंगरी, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, रूस और यूक्रेन के अंदर, यानी 30% जमीन पर 30% पे गेहूं उगाता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा जो पैदा किया जाता है, बारले जिसे हम बोलते हैं, जो पैदा किया जाता है 45% विश्व के अंदर वो यूरोप के अंदर ही पैदा किया जाता है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आपको मेन याद क्या करना है कि 30% भूमि पर 30% पे गेहूं उगा दिए, विश्व में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन आपके यूरोप से होता है, कितना 45%, बस कंट्रीज आप वैसे पढ़ लीजिएगा, याद सिर्फ आपको ये वाला पार्ट करना है, कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ से इसका प्रोडक्शन किया जाता है, वो आपका फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, डेनमार्क एंड रूस। अब देखो यूरोप के अंदर विश्व का 90% जो राई है ना वो यूरोप ही उगा देता है, इसे गरीबों का भोजन कहा जाता है राई को, तो देखो 30% भूमि थी, 30% पर इन्होंने क्या कर दिया, गेहूं उगा दिया, ठीक है, आप लिख लीजिएगा मैं बोल रही हूँ आपको, 45% जो उगा दिया उस भूमि के ऊपर, 45% जो उगाए वो विश्व में सर्वाधिक जो यही उगाते हैं, फिर इससे आके 90% राई ये लोग उगा रहे हैं, 50% चकुंदर उगा रहे हैं, ठीक है। अब इससे आगे याद रखना है आपको नीदरलैंड की जो भूमि है ना, जैसे यहाँ पर आपका बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, ये सारी की सारी कंट्रीज है, नीचे आपका स्विट्जरलैंड है, ये सारी चीज़ कंट्री आ जाएंगी, तो ये जो कंट्रीज है ना इनके अंदर आपका मेन आपका जो नीदरलैंड है इसमें क्या है आपका समुद्र किनारे की भूमि, इनके पास भूमि नहीं है करने को या खेती करने को, इनके पास भूमि नहीं, तो क्या करते हैं समुद्र का पानी खिसका के इन्होंने क्या किया उस भूमि को सुखाकर कृषि योग्य बना लिया उस भूमि को, और उस पर क्या कर रहे हैं ये लोग खेती करते हैं, हम पोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं पोल्डर। अब कैसे याद करोगे, इनको डर था कहीं ना कहीं, इनको डर था कि सारे की सारी भूमि पर हमारा समुद्र का पानी आ जाएगा तो हम खेती कहाँ करें, तो इस डर को भगाने के लिए उन्होंने क्या किया, नीदरलैंड, नीदर से समझ आ रहा आपको, नीडर यानी वो नीडर बन गए, पहले उनको डर था तो नहीं पोल्डर, फिर वो नीडर इंसान बन गए, उन्होंने समुद्र के पानी
को बहाकर खिसकाकर वहाँ की जमीन इतनी बचा ली और फिर क्या क्या वहाँ पर आपका खेती करना शुरुआत कर दिया। ठीक है, हो गया आपको याद फोल्डर। यूरोप क्या करता है, फलों से जैम, आपको पता नहीं यहाँ पे आपका रिवोल्यूशन आया था, आपको कौन सा औद्योगिक क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति के अंदर क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, आपको पता होगा तीन तरीके की चीज़ होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसके अंदर क्या होता है, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में आपका कच्चे जैसे कृषि से, कृषि जो आपका है वो प्राथमिक उद्योग बनता है। सेकंड के अंदर आपके औद्योगिक आते हैं, थर्ड के अंदर आपके सर्विसेज जो आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर आपको पता फर्स्ट और सेकंड थर्ड चल रहा है, सेकंड तो यहाँ आया ही नहीं, तभी तो इतनी बेरोजगारी है आपकी। ठीक है, और सेकंड जो आपका औद्योगिक जो क्रांति है आपकी, वो सबसे पहले आपके ब्रिटेन में, आपको पता ना किस तरीके से उन्होंने गुलाम बना रखा था, वहाँ पर फैक्ट्रीज लगा रखे थे, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते वहाँ ये लोग उसको बनाकर उसको मतलब यूज़ करके हमें ही अच्छे दाम पर बेचते थे, यानी महंगे पे बेचते थे। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, जैसे यहाँ से फल वगैरह ले लिए, फल जो है आपको पता है लगा लो 80 रुपये किलो दे दिए। ठीक है, लगा लो सेब जो है आपको 80 रुपये किलो दे दिए। ठीक है, और जैम बना देंगे सेब से, क्या करेंगे 1 किलो सेब का लगा लो आपको, 1 किलो सेब आपको 80 के पड़े। यहीं पर आपको जो 500 ग्राम जो जैम है ना वही आपको लगा लो 300-400 में देंगे, तो देखो कितना मुनाफा इनको। तो इसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति। ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में क्रांति आना। तो जो यूरोप है आपका, वो फलों से जैम और जाली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। रूस में यूक्रेन और यूराल माउंटेन, आपको पता कर्च जल संधि याद रखने, आपको प्रायद्वीप साइबेरिया में, इन सब में क्या आपका उत्तम किस्म का लोहा पाया। उत्तम किस्म का कौन सा होता है, तीन चीज़ें होती है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनियस है, पीट है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनियस, लिग्मिनियस एंड पीट, आपको पता है यहाँ सबसे उत्तम किस्म का जो लोहा होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, सबसे जो निम्न किस्म का लोहा होता है वो पीट होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे उत्तम किस्म का लोहा यानी एंथ्रेसाइट जो है आपका वो ज़्यादातर आपके रूस यूक्रेन मध्यवर्ती साइबेरिया उत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है। ठीक है, यूरोप में रूस में मैग्नीज का प्रधान उत्पादक कौन है, यूरोप है। यहाँ पर कोकेशस और यूक्रेन क्षेत्र में क्या है आपका, मैग्नीज जो है उत्पादन किया जाता है। 40% कोयला यहाँ मिलता है, कहाँ का, रूस ब्रिटेन पोलैंड इसके अंदर। ठीक है, आपको मेन याद करना है क्या क्या मिलता है यहाँ पे। 30% भूमि है, रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको, 30% भूमि है, 30% पर इन्होंने क्या कहते हैं गेहूँ उगाते, 45% क्या कहते हैं जो उगाते हैं, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है 90% ये लोग राई उगाते हैं, जो कि आपका गरीबों के जो है भोजन से कहा जाता है। ये यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई थी आपकी, इसी वजह से क्या करते हैं फलों से जैम बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपका मैग्नीज पाया जाता है, उत्तम किस्म का जो एंथ्रेसाइट का लोहा है वो यहाँ पाया जाता है, और साथ ही साथ क्या है आपका मैग्नीज हो गया, 40% कोयला यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, 17% जो खनिजों का खनिज जो तेल है ना आपको 17% यहाँ से निकाला जाता है। ये कुछ कंट्रीज हैं, आप देख लीजिएगा। अब इससे आगे अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर जल शक्ति भी किया जाता है, 75% क्या कहते हैं जल से बिजली बनाने का ये लोग काम करते हैं। इटली के अंदर जल विद्युत सबसे ज़्यादा प्रगत है, जिसे हम नेपल्स कहते हैं। नेपल्स जो नगर है इटली का सबसे बड़ा, जल याद करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो नेपल्स है आपका नगर जो है इटली में सबसे बड़ा क्या जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। अब इसे आगे याद रखना है कि अविभाजित, जब सोवियत यूएसएसआर था, ठीक है, जो आपका सोवियत रूस था आपका, वहां पर आपका 25% इस्पात उत्पन्न किया जाता है। कुछ कंट्रीज है उनको आप देख लीजिएगा, मेन मेन में आपको करवा लिया। ब्रिटेन में लोहा इस्पात जो है उद्योग में, जस्ट वन मिनट, जो ब्रिटेन का लोहा इस्पात उद्योग में यूरोप थर्ड नंबर पे है। ठीक है, एकीकृत जर्मनी, जर्मनी के अंदर क्या आपको रूर प्रदेश माना जाता है, आपने देखा ना रूर प्रदेश वहाँ जर्मनी के अंदर है, कहाँ आपकी राइन घाटी के पास में, इसलिए राइन घाटी इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि जो भी क्रांति होती है, जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है वो नदियों के आसपास किया जाता है, तो वहाँ पर आपकी राइन रिवर थी, वहाँ पर जर्मनी के आसपास आपका रूर प्रदेश था। ठीक है, अब इससे आगे हैं साइलेशिया के अंदर आपका ड्रेसडन लिप्सिंग जो कुछ शहर है वहाँ पे आपका मुख्य लोहा इस्पात नगर है। ठीक है, ये आप कुछ रीड कर लीजिएगा, मैं आपको मेन में आपको जो है वो मैं आपको करवाती हूँ। अभी से आगे ये सबसे मेन आता है आपका ग्रेट ब्रिटेन यूरोप के अंदर सबसे बड़ा सूती जो वस्त्र उत्पाद, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्ट्री है सूती के वस्त्र की वो आपके सूरत के अंदर, पहले मछलीपट्टनम फिर सूरत के अंदर लगाई गई थी, ऐसे ही ग्रेट ब्रिटेन में यूरोप के अंदर सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक है। वहाँ पर इंग्लैंड ब्रिटेन का प्रधान, आपको पता है सूती वस्त्र की शुरुआत यहीं से हुई थी, लंका शायर एक जगह का नाम है जहाँ पर इंग्लैंड का सूती वस्त्र उत्पादन सबसे बड़ा क्षेत्र, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर मैनचेस्टर कैसे बोला जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को जाता है, और इंडिया के अंदर आपको अहमदाबाद को बोला जाता है। ठीक है, और अहमदाबाद को भी पता है विश्व विरासत स्थल के अंदर भी शामिल कर लिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इससे आगे है आपका देखो मैनचेस्टर ओल्डहम उद्योग के दूसरे प्रमुख केंद्र, बस इनको छोड़ दो, मेन आपको लंका शहर याद करना है। इससे आगे यूरोप में ब्रिटेन के अंदर लीड्स एंड ब्रेडफोर्ड, रूस में ये जो है मॉस्को, कुछ एक कंट्रीज है जो विश्व प्रसिद्ध ऊनी जो वस्त्र है ना उसके लिए कुछ एक कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा मेन है। अब इससे आगे देखो डेनमार्क जो है डेयरी उद्योग के लिए नंबर वन पर है। ठीक है, कुछ आप हैं रीड आउट कर लीजिएगा, मेन मैं आपको करवाती जा रही हूँ, मैंशन मैंने इसलिए कर दिया, कुछ बच्चों को वो चीज़ें ही पढ़नी होती इसलिए मैंने सबको मैंशन कर दिया। डेनमार्क जो है डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध, आपको पता होगा उत्तरी सागर और विश्व प्रसिद्ध जो जल मछली पकड़ने, आप देखो मछली कहाँ पकड़ोगे, जहाँ पर
आपका जो पानी है, दो तरीके की जो जल धाराएं हैं आपस में आकर मिलेंगी वहीं पर गंगा मछली का मतलब मछली ज़्यादा होएंगी वहाँ पे जहाँ दो तरह की जल धाराएं मिलेंगी। तो यहाँ पर जो आपका अटलांटिक ओशन का दो तरह की जल धाराएं वहाँ मिलती है, गर्म और ठंडी जल धारा मिलती है। वहीं पर डोगर नाम की एक जगह जिसे हम डोगर बैंक कहते हैं, क्योंकि मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ पर उत्तरी सागर के अंदर ऐसा है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग नॉन वेज हैं। ठीक है, अब इसे आगे भूतपूर्व यानी बहुत पहले सोवियत संघ का मछली उत्पादन में यूरोप में नंबर वन पर था, बहुत पहले था। ठीक है, भूतपूर्व सोवियत संघ जब था ना उस टाइम जो है वर्ल्ड के अंदर नंबर वन पर आपका मछली उत्पादन था। ठीक है, रूस फिनलैंड नॉर्वे के अंदर जनसंख्या घनत्व को इतना बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं, कौन से नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, लेकिन जो आपका ये वाला पार्ट है ना आपका मध्यवर्ती वाला पार्ट है यूरोप में वहाँ बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। लेकिन इन सब के अंदर क्या आपके 10 से 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इंग्लैंड होलैंड बेल्जियम एकीकृत जब जर्मनी यूरोप में सबसे ज़्यादा इन सब में ज़्यादा जनसंख्या है। ग्रेट ब्रिटेन का लगभग 30% जो व्यापार है वो लंदन से ही होता है। लंदन किस नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे जो आपका लंदन है वहीं से आपका 30% जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है व्यापार है वो हो जाता है। पेरिस सीन नदी के किनारे मैंने आपको बताया था मोगी नदियों के संगम पर स्थित है। पेरिस कहाँ, सीन और मोगी नदियों के संगम, लेकिन मेन पूछा जाए तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। अब इससे आगे हैम्बर्ग जर्मनी का एक महत्वपूर्ण नगर बंदरगाह, बंदरगाह जिसे हम पोर्ट कहते हैं, ठीक है, जहाँ से आपके जहाजों का आवाजाही होता है दूसरे देशों से व्यापार करके यानी सामान लेके यहाँ पे उतार चढ़ाते हैं, वहाँ पर हैम्बर्ग जर्मनी का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। और यह किस नदी के मुहाने पर, एल्ब, हैम्बर्ग है आपका एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसे आगे लीवरपूल जो है मर्सी नदी के मुहाने पर, जहाँ पर 17% इसका व्यापार होता है। बर्लिन जो है स्प्री पर किनारे के बसा हुआ एक बंदरगाह, यहाँ पर प्रसिद्ध हवाई अड्डा भी है। स्प्री कहाँ है आपका, बर्लिन के अंदर स्प्री, ये मतलब जो बर्लिन है वो स्प्री नदी के ही किनारे है। ठीक है, मॉस्को जो बंदरगाह है मॉस्कोवा नदी पर है। ठीक है, जो आपकी जैसे रशिया की जो कैपिटल, रशिया की जो कैपिटल आपकी मॉस्को है, वो आपकी मेनली आपकी यूरोप वाले पार्ट में ही आते हैं। ठीक है, ये मॉस्कोवा नदी किनारे पर, यहाँ ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे बड़ा जो लंबा रेलवे मार्ग है हम ट्रांस साइबेरियन कहते हैं, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग केंद्र है। आप पश्चिमी तट पर लेनिन ग्राद से लेकर ये दुत्रिगमा यानी बंदरगाह से दुत्रगामी सेवाओं द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, फ्रांस जो है किसानों का देश है, याद रखना है कि यहाँ पे खाद्यान्नों पर ज़्यादा लोग डिपेंड हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम था जर्मनी मूल रूप से होता है ना, सबसे ज़्यादा औद्योगिक जो राष्ट्र हैं वो यूनाइटेड किंगडम और आपके जर्मनी है। ठीक है, ब्रिटिश द्वीप समूह में दो मुख्य द्वीप हैं, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, याद रखना है। ठीक है, ब्रिटिश द्वीप का सबसे बड़ा जो भाग है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। यहीं पर आपका इंग्लिश चैनल है जिसे यूरोप की मुख्य भूमि से अलग किया जाता है। उत्तरी सागर नॉर्थ सी के अंदर आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं आपका। फ्रांस जो है यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, कौन सा सबसे बड़ा देश है, फ्रांस जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पिरेनीज जो पर्वत है वो दक्षिण सीमा के अंदर जो फ्रांस और स्पेन को, किसको देखो किसको, फ्रांस और स्पेन दोनों के बीच में कौन सा है आपका, पिरेनीज है, कौन सा है आपका, पिरेनीज है। ठीक है, अब इसे आगे माउंट ब्लॉक जो है फ्रांस सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, कहाँ है आप माउंट ब्लॉक, मैंने बताया था आपको फटाफट से मुझे बताइए कहाँ है। फ्रांस की नदियाँ कौन सी, आल्प्स, पिरेनीज, मध्यवर्ती पठार से निकलती है और हिम के पिघलने से ही नदियों का क्या होता है, आवागमन होता है। फ्रांस में बहुत सारी उद्योगों की विशेषताएं, क्योंकि यहाँ पर मशीनें, मोटरगाड़ी, जलायन, वायुयान, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है, अब अंगूर की जो खेती है वो फ्रांस में प्रसिद्ध है, क्योंकि वहीं पर आपका क्या है फ्रूट्स जो हैं उनसे जैली या जैम बनाने का काम करते हैं। तो फलों का पता ना खाद्यान्न देश है आपका फ्रांस, किसान वहाँ ज़्यादा हैं, खेती पर लोग निर्भर हैं, तो अंगूर की खेती करेंगे। अंगूर से पता है आपको शराब बनाई जाती है, जैसे हम शैम्पेन नाम एक शहर के अंदर शैम्पेन बनाई जाती है। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। अब इसे आगे याद रखना, 1990 के अंदर जर्मनी और जो पश्चिमी जर्मनी दोनों का विलय होकर एक राष्ट्र जर्मनी बन गया था। जर्मनी के पश्चिम में बताया ना राइन नदी है, वहाँ पर आपकी जर्मनी के अंदर रूर प्रदेश, रूर काला प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया, इसलिए वहाँ पर कोयला के ज़्यादा उत्पादन होते हैं, उसे हम रूर प्रदेश कहते हैं जर्मनी के अंदर। ठीक है, रूर को यूरोप का औद्योगिक करते हैं, क्योंकि जहाँ से हमें नेचुरल जो रिसोर्सेज प्राप्त होंगे वही क्या होगा, उसी से ही हमारी जो पूरी कंट्रीज़ हैं उसकी जो GDP है यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसी वजह से होगी। तो इसलिए क्या कहते हैं यूरोप का जो रूर को यूरोप का औद्योगिक खर्दे कर देते हैं। ठीक है, जर्मनी संसार में राई, आलू, चकुंदर, ऐसी चीज़ें उगाई जाती हैं। कील नहर कहाँ है आपके, बाल्टिक सी के अंदर, कैसे याद करोगे कि बाल्टिक यानी बाल्टी, बाल्टी के अंदर कहते हैं हमें कील ठोकते हैं ना, तो कील नहर का है आपके बाल्टिक सी के अंदर है। ठीक है, इन दोनों को किससे जोड़ती है, जो कील नहर है वो बाल्टिक सी और उत्तरी सागर दोनों को जोड़ते हैं। 99 किलोमीटर लंबी आपकी नहर है, इसके बन जाने से डेनमार्क के किनारे 700 किलोमीटर घूमकर हमें जाना नहीं पड़ता। ठीक है, हम सीधे यहीं से होकर चले जाते हैं, हमें इसे घूमकर डेनमार्क के नीचे से होकर नहीं गुजरना पड़ता। स्कैंडिनेवियाई देशों में व्यापार का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको पता कोई भी आप इंडेक्स देख लो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आपको टॉप में ही मिलेंगे। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेज आते हैं गवर्नमेंट पब्लिश करते हैं, उन सब में आपको यही टॉप पर मिलेंगे, यहाँ पर बहुत
अच्छी कंट्रीज हैं आपकी। बर्लिन जो है पता है आपको, स्प्री नदी के किनारे जर्मनी में सबसे बड़ा नगर है, नदी पतन है। आपका लिप्जिंग एवं ड्रेसडन जो एल्ब नदी के किनारे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और बता देती हूँ मैं आपको, मेन आपको याद रखना है 11 टाइम जोन, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही टाइम जोन है आपका 82.5 डिग्री है, ठीक है। लेकिन आपके इनके अंदर देशांतरी विस्तार कितना है आपका, इस तरीके से रशिया में होकर कितना गुजरना पड़ता है, 11 टाइम जोन से यहाँ पर गुजरना पड़ता है, 11 बार आपका टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे है आपका साइबेरिया क्षेत्रों में क्या है, 9 महीने हिमपात रहता है यहाँ पर, क्या आपका ज़्यादातर कहते हैं बर्फ़ ज़्यादा रहती है यहाँ पर, ठीक है। और 1% रूस के अंदर 1/5 भाग पर चरागाह है, और 40% जो भाग है ना वो किसे, वनों से ढका हुआ है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस मैं मेन मेन आपको करवा देती हूँ। देखो यही थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कंप्लीट मैंने आपको 39 यानी कि 40 मिनट्स के अंदर मैंने आपको कंप्लीट जो यूरोप है उसकी सैर मैंने आपको करवा दी है। सारा स्टार्टिंग मैंने आपको मैथ से समझाया, फिर मैंने आपकी थ्योरी के जो मेन मेन पार्ट थे वो सारे मैंने समझाए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यूक्रेन का और बता देती हूँ, ठीक है। ये सारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ आपकी, जस्ट वेट, सॉरी सॉरी, पी